रहेंगे, राइट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके लिए आज के लेक्चर्स के अंदर। वैसे तो ये लेक्चर्स, सॉरी ये टॉपिक मैंने फर्स्ट लेक्चर्स, जैसे उसको यूनिट एंड डायमेंशन का ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स था, मैंने आपको बोला था, भेजा था, उसके अंदर ऑलमोस्ट जब MLT डायमेंशन सिखाया था तब मैंने समझा दिया ये एक एक और दूसरा ये टॉपिक डिराइव यूनिट। ओके, फिर भी मैं शायद एक दो स्टूडेंट नए हैं तो ओवरऑल रिवाइज कर देता हूँ विद इन 2 to 3 मिनट के अंदर क्या है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज द बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी जिससे बाकी सारे यूनिट बनते हैं। जैसे ये मेन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते, कितनी होती है टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट ऐसे हो गए जो बेस यूनिट है जिससे बाकी सारे यूनिट बनने वाले। कौन कौन से है, तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें ये बेस यूनिट है जो बेसिक यूनिट बोलते हैं और उसमें से हम डिराइव करेंगे ये सारे यूनिट, डिराइव, इसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट। तो ऐसे यूनिट जो ये जो फंडामेंटल यूनिट है उससे बनते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कोई भी चीज आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा बनेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ और टाइम यानी कि सेकंड। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल्स में लास्ट लेक्चर्स में सिखा दिया है, तो आप वो देख लेना, जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लेना, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में पता चलेगा, राइट। ये तो क्या है कि मैंने टॉपिक में आ रहा था इसलिए डाल दिया था, अदरवाइज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द फर्स्ट लेक्चर। तो लेंथ एंड सेकंड का यूज करके मैंने वेलोसिटी का टाइम फॉर्मूला बनाया। तो ये जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। तो वेलोसिटी इज कॉल्ड द डिराइव यूनिट। वैसे एक्सेलरेशन है, वर्क है, ये सारे यूनिट है जो इस फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। ओके, देखो याद रखो यहाँ सिंबल सारे यूनिट के दिए हुए, आपको याद रखने हैं पूरा का पूरा टेबल एकदम अच्छे से, रट्टा मार लेना, मस्त रट्टा, ऐसा मार लो कि आपको जिंदगी भर टेंशन ना रहे। ओके, MLT में याद हो तो इसको हम L बोलते थे, इसको हम M बोलते थे, इसको हम टाइम बोलते, इसको हम A बोलते हैं। ओके, और टेम्परेचर को हम K बोलेंगे। ये दो सब्सटेंस जनरली आएंगे नहीं, और यदि आएंगे तो आप उसको मोल एंड कैंडेला, क्योंकि MLT के अंदर ये आने वाले नहीं है। ओके, जनरली ये तीन ही, ये चार, ये भी K भी बहुत कम आ गया, ये चार जनरली ज्यादा आएंगे। डिराइव यूनिट तो पता ही है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वेलोसिटी, ये सारे डिराइव यूनिट है, एक्सीलरेशन, वर्क, पावर, जो सारे एनर्जी, जो सारे यूनिट, ओके, ये फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं, उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट। तो ये दो टॉपिक तो हमारा कवर हो चुका था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपरली, इसके अंदर हम सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में समझेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट मीन्स व्हाट, देखो ये जो यूनिट है ना वो फंडामेंटल यूनिट एंड वो डिराइव यूनिट से थोड़ा हटके यूनिट है। क्यों, पहली चीज तो ये ऐसे यूनिट है जिसका यूनिट तो है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन यानी कि MLT इसका बनेगा नहीं, कोई भी ऐसे आपको ऐसे नहीं पूछ सकते कि भाई प्लेन एंगल का MLT क्या होगा, और यदि पूछेंगे तो आपको क्या आ गया वो आपको अभी डिटेल्स में समझाता हूँ। पहले दो यूनिट कौन से वो देखते हैं, फर्स्ट है प्लेन एंगल और सेकेंड है सॉलिड एंगल। ऑलरेडी ये टॉपिक प्लेन एंगल से तो आप ऑलरेडी परिचित हो गए, कैसे, कि सिंपल चीज है कि कोई भी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ फिगर बनाई हुई है, तो ये जो एंगल है थीटा, जिसको हम बोलते थे, ओके, टेंथ के अंदर आएगा थीटा, थीटा इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। जो हमारे रेगुलर एंगल्स होता है उसको हम प्लेन एंगल बोले, बस खाली वर्ड आगे प्लेन लिखा हुआ, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट उसका रेडियन है, ऐसा यूनिट है रेडियन, ओके, याद रखना, सिंबल उसका RAD है। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू, जनरली हम ऐसे लिखते थे, आर्क अपॉन रेडियस, तो उसका फॉर्म, सॉरी उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो भी आप लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। याद है ना आपको, थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, तो AB, यहाँ आपको यदि थीटा लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये हमारा आर्क है, ये हमारा एंगल बन चुका है। ओके, ये हुआ हमारा प्लेन एंगल, ऑलरेडी आपको पता ही था। नया क्या है, तो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मीन्स व्हाट, जैसे आप ये फिगर देख सकते हो, इसके अंदर हमने
एक पूरा का पूरा स्फीयर है जो सोलिड है, उसके अंदर से ऐसा कोन निकाला, ओके, और वो कोन का जो ये एंगल है जिसको हम ये एंगल बोलेंगे, तो ये एंगल के सामने वाले साइड हम देखेंगे तो ये कोई लाइन नहीं है। यहाँ क्या होती थी, सिंगल लाइन थी, यानी कि वन डायमेंशन थी, वन डी वन डायमेंशन चीज थी। और यहाँ तो पूरा क्या मिल रहा है आपको, एरिया मिल रहा है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, पूरा एरिया। तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे सोलिड एंगल, समझ में आ रहा है, जिसको हम 2D या 3D में एक्सप्लेन कर सकते हैं, याद रखना बच्चों। तो सोलिड एंगल किसको बोलेंगे, तो सोलिड स्फीयर में से कोई एक हम पार्ट्स निकालेंगे, कोई एक भाग निकालेंगे, जस्ट लाइक कोन। तो कोन का ये जो एंगल बन रहा है जिसके अंदर हम क्या लेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू हम लेंगे एक तो बाहर का ये एंगल जिसको हम क्या बोल सकते, एरिया ऑफ सर्कल भी बोल सकते, लेकिन अभी यहाँ एरिया ले लेते हैं। तो एरिया अपॉन, अब ये जो डिस्टेंस है, ये कोन का जो रेडियस है उसका यहाँ हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा, किसके अंदर, टी रेडियन। यहाँ हम थीटा नहीं लिखेंगे, ओम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ओम। मीन्स व्हाट, सोलिड एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया टू द स्क्वेयर ऑफ द रेडियस। वापिस मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ध्यान दो, रेशियो ऑफ द इंटरप्रेटेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस टू द स्क्वेयर ऑफ द रेडियस। वैसे एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है डेफिनेशन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको वो याद रहना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से है। तो फर्स्ट है हमारा प्लेन एंगल और सेकंड हमारा सोलिड एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन रेडियस, और सोलिड एंगल का फॉर्मूला बनेगा एरिया अपॉन रेडियस। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो थंब दिखा सकते हो बीच लेक्चर्स के अंदर, ओके। ये तो खाली साउंड हमारा डिस्टर्बेंस ना हो ना, इसलिए हमने आपको म्यूट कर दिया, यानी कि आप जो बोलोगे वो मेरे पास आवाज अभी नहीं आएगी, इसलिए आप थंब दिखा देना तो मैं आपका आवाज ऑन कर दूंगा। और यूनिट उसका स्टी रेडियन है, याद रखो यूनिट क्या है उसका, स्टी रेडियन। क्लियर, आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा। वापिस रिवाइज करते हैं, प्लेन एंगल के अंदर आर्क यानी कि लाइन एक टाइप की, और रेडियस उसका रेशियो हम लेंगे, और यहाँ आएगा एरिया, ये जो एरिया हम देख सकते हो, तो ये एरिया अपॉन ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर, उसका रेशियो, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सोलिड एंगल। तो आपको मैंने ये टॉपिक से स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये चीज कि सप्लीमेंट्री एंगल में खासियत क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज यूनिट, इट हैज ऑलरेडी यूनिट, उसको यूनिट होता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि रेडियन, तो प्लेन एंगल का स्टी रेडियन, तो सॉलिड एंगल का एक यूनिट है, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन। अब बोलेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल है। एग्जाम्पल फोर मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ समझने के लिए। एग्जाम्पल फोर, थीटा जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, उसका एमएनटी डालना है, ऊपर होगा आर्क और नीचे होगा रेडियस। आर्क यानी कि एक टाइप की लेंथ ही हुई, आर्क यानी कि क्या हुआ, लेंथ ही हुआ, और रेडियस भी एक टाइप की लेंथ हुई। मींस व्हाट, यदि आप यहाँ एमएलटी डालो तो लेंथ का एमएलटी होगा L1, जिसको हम आर्क बोलते थे, तो आर्क का एमएलटी, आर्क यानी कि लेंथ, जिसका L1 होगा, और रेडियस, तो रेडियस का एमएलटी होगा भी L1, तो L1 हो जाएगा कट, तो कुछ बचा ही नहीं, M0L0 T0 M0L0, यानी कि कोई डायमेंशन है ही नहीं, इसलिए हम उसको डायमेंशन लेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, डायमेंशन लेस, दैट मींस इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ डायमेंशन, राइट। सो ये याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसके यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन होता नहीं है। JEE में 90% केस के अंदर MLT जब पूछते उसमें आपको ऐसे दिया होता है कि गिव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सोलिड एंगल, तो हम जनरल क्या करते हैं, एरिया ले लेते हैं, तो उसको एल स्क्वायर ऐसा कुछ लिख देते हैं। और ये यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी आप देखोगे तो एरिया, एरिया यानी कि क्या होगा, L2 होता है जनरली, और रेडियस का स्क्वायर उसका भी L2 होता है, तो L2 कर, तो यहाँ भी क्या मिला आपको, डायमेंशन जीरो मिला। दैट मीन्स इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ डायमेंशन। मीन्स व्हाट, यहाँ इतना हमने इतना कवर किया कि ये दोनों में से किसी का भी डायमेंशन नहीं है। क्लियर, कोई डाउट हो तो थंब दिखा दो, अदरवाइज मैं आगे टॉपिक में बढ़ू। चलो,
ओके इसी का भी टर्म नहीं आया, दैट मीन्स हम आगे बढ़ते हैं। ये वैसे तो ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड शायद नहीं काम हो सकता ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक आपको इन फ्यूचर्स बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैसे एनसीईआरटी के बाहर का टॉपिक है, आपको जेईई में काफी बार मैंने एमसीक्यू देखे हुए होते इस टाइप के, इसलिए मैंने ये टॉपिक को इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है लेक्चर्स में। ओके आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके जिससे ओके अभी मत लो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, शायद एक दो एक्स्ट्रा जो चीज लिखा नहीं होगी इसमें आ जाएगी। अदरवाइज मैं इसका वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा, वापस रिवीजन करो तब स्क्रीनशॉट ले लेना, तब अच्छा आएगा आपका। चलो तो ये है क्या, पहले तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है रूल्स ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेस यूनिट, मींस फॉर यूनिट को कैसे लिखते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल्स नॉर्म्स फॉर द यूज ऑफ एसआई सिस्टम, यानी कि एसआई सिस्टम में जो यूनिट है उसको लिखने के लिए प्रैक्टिकल नॉर्म्स यानी कि उसके मेथड क्या है। तो पांच मेन नॉर्म्स है, वैसे तो बहुत सारे नॉर्म्स है, 25 नॉर्म्स है टोटल, तो लेकिन जो मेन मेन नॉर्म्स है जो जनरली आपको अफेक्ट कर सकते वो फाइव मेन मैंने उसमें यहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो फर्स्ट है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू इट्स सिंबल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे एग्जांपल फोर मैं ऐसा लिखू, लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके सिंबल से जानते हैं। जैसे लेंथ है तो उसका यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, समझ लो। तो मीटर हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एम, यानी कि जब भी ऐसे कोई एग्जांपल को लिखा कि 5 मीटर नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 5 एम। मींस व्हाट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके सिंबल से जानी जाती है, कोई भी यूनिट उसके सिंबल से हम एक्सप्रेस करेंगे, राइट, उसके नाम से नहीं लिखे, यानी कि पीछे नाम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या हम उसका सिंबल। तो जैसे एग्जांपल फॉर मैं ऐसे बोलूं कि लाइक वेट है, तो वेट है तो 5 किलोग्राम हम नहीं लिखेंगे, जनरली हम क्या लिखते हैं, 5 केजी, क्लियर। तो उसका सिंबल जो होता है, जैसे हमने आगे के टॉपिक में भी देखे थे, तो यहाँ क्या है उसका सिंबल आर ए डी, तो हम रेडियन ये पूरा नहीं लिखे, उसको बोलेंगे रेडियन लेकिन लिखेंगे आर ए डी ही, इसको बोलेंगे स्टी रेडियन, जब भी यूनिट को हम स्टी रेडियन ही बोलेंगे लेकिन लिखेंगे सॉरी बोलेंगे स्टी रेडियन लेकिन लिखेंगे एस आर ही। मीटर को भी वैसे यहाँ एम लिखा तो ऐसा नहीं कि 5 एम नहीं बोलेंगे, 5 मीटर ही बोलेंगे, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए मुझे खाली उसका सिंबल जरूरी नहीं कि उसका नाम, क्लियर। याद रखना यह इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई भी यूनिट को एक्सप्रेस करो तब उसका सिंबल लिखना होता है। सेकंड यूनिट, सेकंड उसका रूल्स है, नो फुल स्टॉप शुड बी यूज्ड विद इन और द एंड ऑफ द सिंबल ऑफ यूनिट। मींस व्हाट, ऐसा मैंने लिखा कि 5 a.g विद इन और एंड, अदरवाइज मैंने लिखा 5 kg, तो ये रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग, ऐसा कभी भी हम एक्सप्रेस कर सकते नहीं है। तो सही क्या है, तो 5 kg, सिंपल। ओके तो कभी भी कोई भी यूनिट के बीच में डॉट बोर्ड ऐसा कुछ साइन लिखेंगे नहीं, याद रखो बच्चों, नो फुल स्टॉप शुड बी यूज्ड विद इन बीच में ना या फिर एंड में हम लिख सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर का टॉपिक है हमारा, थर्ड नंबर का रूल से सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक इन द प्लूरल फॉर्म, लाइक एग्जांपल फॉर ऐसा नहीं कि चलो 1 kg हो तो 1 kg लिखेंगे, तो 2 kg तो 2 यानी कि प्लूरल फॉर्म है, 2 ज्यादा तो kgs किलोग्राम्स, ऐसे मत कर देना। ओके ये रॉन्ग होगा आपका, उसको 1 kg हो तो भी ऐसे लिखेंगे, तो सही क्या है, तो 2 kg, तो 2 kg हो गए तो भी हम 2 kg ही लिखेंगे, नहीं कि 2 kgs। याद रखो बच्चों, कभी भी कोई भी सिंबल के पीछे s फुल s apostrophe is s यानी कि जो प्लूरल फॉर्म के रूल्स होते वो लगते नहीं है, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में हमें लिखना नहीं होता है, उसको सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है। तो 5 kg हो तो भी 5 kg होगा, ओके ये सही है, लेकिन 5 kgs लिखा दैट मींस इट विल बी रॉन्ग फॉर यू। ओके तो थर्ड रूल्स था, सिंबल ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में लिख सकते नहीं है। ये कैसे आपको काम आ सकता है, तो जेईई में एमसीक्यू के फॉर्म में, ये कभी आपको ऐसे कोई रूल्स नहीं बोलेगे एग्जाम के अंदर, आपको रूल्स नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ऐसे दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, और बाद में आपको
तीन अलग अलग या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, यानी कि अलग अलग 5 kg है तो इसमें डॉट लगाया होगा, पीछे 0 डॉट लगाया, एक में आगे लगाया होगा और एक में नहीं लगाया होगा, जिसमें नहीं लगाया हो हमारा फाइनल आंसर है। ओके, मैं 2-3 एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब सीट दूंगा ना प्रैक्टिस करने के लिए तब इसमें डाल दूंगा। ओके, ध्यान रखना। चलो, फोर्थ रूल से हमारा यूनिट शुड बी रिटन इन रेशियो ओनली। लाइक कैसे, एग्जाम्पल फॉर मेरे लिए वैसे समझू कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनाना है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे उसका यूनिट लिखना है एक्सीलरेशन का, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का है सेकंड। तो ऑलवेज हम एक्सीलरेशन का सिंबल यूनिट है उसको ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि टू फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, सिंगल फ्रैक्शन में लिखना होगा, या फिर हम लिख सकते एम, एस नीचे आ जाएगा तो सेकंड स्क्वायर, ये हमारा सही है, या फिर उसको ऊपर ले जाते तो ये सही है। ओके, टू टाइप के फ्रैक्शन में, ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन में हम लिख सकते नहीं है, मींस व्हाट, सिंगल रेशियो में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ध्यान रखो बच्चों, जब भी कोई भी यूनिट हो उसको ऐसे सिंगल रेशियो में ही लिखो, दो रेशियो नहीं हो सकते, ऐसे नहीं लिख सकते मीटर अपॉन सेकंड अपॉन सेकंड, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर का, आपको वैसे काफी बार पता होगा कि, अब समझ लो कि कोई नाम है जिसका यूनिट साइंटिस्ट के नाम से बनाया है, जैसे एग्जांपल फॉर न्यूटन। अब कहीं न्यूटन आपने देखा तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो साइंस, वो एग्जांपल फॉर न्यूटन यानी कि वो साइंटिस्ट का नाम है या क्या है, यूनिट का नाम है। तो यदि वो यूनिट का नाम होगा तो ऐसे लिखा होगा उसको, यूनिट जब हम लिखेंगे तो अब ऐसे लिखेंगे, यानी कि यूनिट को ऐसे नहीं लिख सकते। याद रखो बच्चों, या तो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर के अंदर होना चाहिए या फिर फर्स्ट लेटर खाली उसका कैपिटल करो, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया और बाकी के स्मॉल कर दिए, क्योंकि यदि ऐसा लिखोगे तो वो कोई पर्सन का नाम हो जाएगा, यूनिट नहीं होगा, ये कोई एक पर्सन का नाम, क्योंकि हम जनरली हमारा पर्सनल नेम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कैपिटल फर्स्ट बाकी के स्मॉल, तो ऐसे हम लिख सकते नहीं है। यानी कि कोई भी यूनिट यदि साइंटिस्ट ने फाइंड किया हुआ है तो या फिर उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल या सारे स्मॉल। तो आई होप ये क्लियर होगा, मैं वापस फटाफट उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा था उसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है, नहीं कि पूरा नाम। सेकंड रूल्स था डॉट बॉट कहीं कुछ बताना नहीं है, खाली सिंपल तरीके से जो नाम आता है वैसे लिख दो। थर्ड था प्लूरल फॉर्म में लिखना नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, के एस बेस कुछ लिखना नहीं है। फोर्थ नंबर सिंगल रेशियो में लिखना है, डबल रेशियो में लिख सकते नहीं है। फिफ्थ नंबर यदि साइंटिस्ट के नाम से है यूनिट तो उसको या तो पूरा का पूरा स्मॉल कर दो या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, ऐसे हम लिख सकते नहीं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, वो रॉन्ग हो जाएगा। यदि कोई डाउट डिफिकल्टी है तो थंब दिखा दो और नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, ये वैसे टेबल कुछ का, वैसे तो काम का भी है ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में काफी बार क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी बेसिक वैल्यू हमें पता नहीं होती। जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, 1 आवर्स डे ईयर तो पता ही है, लेकिन 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वैसे ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो ये स्किप कर दो। चलो, लीटर को भी पता होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब ये सारे आपके लिए नए हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा नहीं, याद रख लो 2-3 बार 5 टाइम लिख लो, गट्टा मार दो अच्छे से। क्यों, यदि आपका गोल हाई लेवल का है, यदि पेपर हाई या फिर हार्ड आएगा तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सुनो बच्चों, अब मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं। 11 साइंस के अंदर सितंबर से स्कूल चालू होगी। अब सितंबर से जैसे स्कूल चालू होगी, प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने सितंबर से चालू होगी, अब समझ लो कि लास्ट टू लास्ट मार्च तक 11 स्टार्ट रखे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम, यानी कि यू हैव द ओनली 6 मंथ टू कंप्लीट द फुल सिलेबस, नॉट ओनली यू हैव बट द टीचर्स ऑल्सो। सो क्या होगा,
गवर्नमेंट क्या करेगी, 6 मंथ का सिलेबस उड़ा देगी। अब गवर्नमेंट का तो क्या है कि सिंपल चीज है, उसको तो कुछ काम का नहीं है। अब वो 6 मंथ के सिलेबस में क्या उड़ने वाला है तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। अब वो चीज JEE और नीट के अंदर तो वापिस आएगी ही, समझ लो। ये सारी चीजें जिसके सिलेबस में से कट कर दिया 11th में, या फिर आपने स्किप कर दिया, और वो चीज आपको JEE नीट या फिर बोर्ड के अंदर कहीं कुछ बीच में आ गई, क्योंकि फिजिक्स क्या है, दूसरे से कनेक्टेड होते टॉपिक, तो अब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती। इन केस भी ऐसे कोई भी न्यूज आए तो इसको इग्नोर करो, जस्ट आप खाली परसेंटेज के लिए 11th नहीं पढ़ते, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 11th पढ़ते हो, ऐसा माइंड में रख के, ऐसा एटीट्यूड रखना, तो ही कुछ अचीव कर पाओगे, या 12th की एग्जाम है, या इंजीनियरिंग की एग्जाम, या फिर मेडिकल्स की एग्जाम। ओके, तो ये वैसे तो कुछ ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन रट्टा मार लेना है क्या कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, काफी सारे तो पता ही, जैसे ये तो मुझे पता, शायद आपको भी पता होगा, 1 कैरेट यानी कि 200 mg, 1 बार, बाद में ये आपको पता होगा हेक्टर के बारे में, तो 1 हेक्टर यानी कि 10,000 meters square, ऐसे इंपोर्टेंट टर्म्स है जो जनरली SI यूनिट में यूज नहीं है। आउट यहाँ लिखा है 2 outside SI, वो हम प्रैक्टिकली हमारे रूटीन लाइफ में यूज कर रहे हैं, ऐसे यूनिट है जिसका कन्वर्जेंस आपको SI यूनिट में किया हुआ, ये सारे SI यूनिट है, ये आउटसाइड SI यूनिट है, लेकिन काफी बार ये ऐसे टर्म्स दे दे तो आपको SI में कन्वर्ट करना आता हो और यह वैल्यू याद हो तो इन फ्यूचर काम आ सकती है। तो डेट्स व्हाई पुट दिस इन द टॉपिक, राइट। तो आप उसका वीडियो, आप वीडियो लेक्चर के अंदर बाद में क्या कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये NCERT का ही बैठे बैठा स्क्रीनशॉट करके मैंने लगा दिया होगा। ओके, डोंट वरी, ये NCERT का ही है, उसमें भी मिल जाएगा। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे हम मेजर करते, लेंथ को हम कैसे मेजर करते, तो पहले के टाइम में तो क्या था, तो ऐसे सिंपल तरीके से हम मेजर करते थे। अब लेटेस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आया जो एग्जांपल फॉर रूलर, या हम स्केल बोल सकते हैं, मेजरिंग टेप, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ये दोनों की एक लिमिट है। वो जैसे एग्जांपल फॉर आपके पास स्केल है, तो स्केल में तो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, अब बीच में यदि समझ लो कि यहाँ एक बड़ा आर्क होगा, ऐसे आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, ये होगा 0.5 सेंटीमीटर। अब यदि समझ लो उसको हम यदि मैग्नीफाई करें 0 और 1 को, और यहाँ 0.5, 1, 2, 3, 4। अब एग्जाम्पल फॉर आपने मेजर किया कोई चीज को, और यहाँ बीच में आई ना, यहाँ आई, यहाँ समझ लो 0.2 पे आई ना 0.3 पे आई, अब क्या समझना, उसके बीच में तो एग्जैक्टली तो पता होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कैलिब्रेशन किया ही नहीं है स्केल के अंदर। तो ऐसे मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। फिजिक्स की लैब के अंदर जाओगे 11th में, तो पहला काम आपको इस इंस्ट्रूमेंट को उठाना होगा और उससे आपको मेजर करना होगा छोटे छोटे चीज का रेडियस और छोटे डिस्टेंस। याद रखो वर्नियर कैलिपर्स का, ये प्रैक्टिकल है, ओके, थियोरिकल टर्म्स नहीं, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। तो ये वर्नियर कैलिपर्स है जिससे हम बहुत सेंटीमीटर से भी छोटी सेंटीमीटर में वैल्यू है, एग्जाम्पल फॉर मेरे पास कोई वैल्यू है, ओके, अब मैं स्केल से मेजर कर रहा हूं तो मुझे लास्ट टू लास्ट कैसे पता चलेगा कि एग्जांपल फॉर 1.2 सेंटीमीटर, ऐसे मेजर कर सकते हैं उससे। अब 1.2 2 के आगे क्या, तो वो नहीं पता होगा यदि मैं स्केल से करूंगा तो। अब यदि मैं वर्नियर कैलिपर से यही चीज का मेजरमेंट करूंगा तो मुझे इतना मिल सकता है 1.24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ये 4 कहां से पता चलेगा कि इतना डिटेल्स में कैलिब्रेशन होता है। अब यदि मैं स्क्रू गेज का यूज करूंगा तो 1.24 या जो भी आगे वैल्यू आ रही है वो भी पता चल सकता है। तो आपको ये खाली पता चला, यहाँ ये पता चला और यहाँ ये पता चला, मींस फॉर यहाँ जो चीज आपको पता चली वो एग्जैक्ट प्रॉपर वैल्यू हमें मिली इससे, स्क्रू गेज से। तो बस वही चीज है कि आप ऐसे मेजरमेंट कर सकते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, ओके। अब समझ लो कि बड़े बड़े मेजरमेंट करने हैं, बड़े मेजरमेंट यानी कि बहुत बड़ा लेंथ है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैरेलेक्स मेथड, ओके, वी कैन यूज द पैरेलेक्स मेथड फॉर टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस, ओके। बड़े डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम पैरेलेक्स मेथड का यूज करते हैं। पैरेलेक्स मेथड के अंदर हम क्या करेंगे,
यदि हमारे पास एक पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आपको, पैरेलेक्स मेथड में एक फॉर्मूला जो यूज होगा वो अभी हमने वैसे सिखाया था, एक फॉर्मूला थीटा, ये है आर्क और ये है रेडियस, तो बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, जैसे समझ लो प्लेनेट से अर्थ का मेजरमेंट करना है या अर्थ से प्लेनेट का मेजरमेंट करना है। अब यहां मैं आपको ऐसे समझा नहीं सकता, लेकिन चलो ड्रॉ कर देता हूं। समझ लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये अर्थ है, ये प्लेनेट, बाकी का मैं इरेज कर दू, ध्यान रखो ये पूरा सर्कल ही है। ओके, यदि बाकी का मैं इरेज कर दू इतना बचा, तो ये हो जाएगा मेरे लिए थीटा, ये होगा सॉरी ये हो जाएगा मेरे लिए रेडियस, ये थीटा, और ये होगा मेरे लिए आर्क। याद रखो बच्चों, ये रेडियस होगा, ये आर्क होगा, और ये होगा एंगल थीटा। ओके, ये होगा एंगल। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते, ये फॉर्मूला का यूज करके अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस या प्लेनेट से अर्थ का डिस्टेंस या अर्थ प्लेनेट जो है वो यदि बहुत बड़ा है तो उसकी जो डायमेंशन है, जैसे एग्जाम्पल फॉर उसका डायमीटर है, वो सब कुछ हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला होगा, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। याद रख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत काम आने वाला है। अब हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो इसको कैसे यूज करोगे। ओके, मैं यहाँ आपकी आवाज है ना वो म्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, आपने आवाज रखना तो अनम्यूट ही, यदि कोई पूछना है डाउट डिफिकल्टी तो पूछ सकते। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली जाऊंगा कि कैसे एक्चुअली यूज करना है। समझ लो कि आपके पास पेन है, सभी के पास, एक मिनट में आवाज अनम्यूट करता हूँ, सॉरी, पेन है सभी के पास। ओके, अब उसको समझ लो, मैं वीडियो चालू करता हूँ, यदि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आए। दिख रहा है सभी को, ये पेन है समझ लो। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट रखो अपनी आंख से, ओके, अपनी आई से ऐसा स्ट्रेट रखो। अब एक आंख बंद कर दो, ऐसे एक आंख बंद कर दो, हाथ स्ट्रेट रखना है। अब वो जो पेन है उसके सामने कोई भी ऐसी चीज है, जैसे मेरे सामने समझ लो कि ये लाइट का एक बोर्ड है, की का बोर्ड है, ओके, स्विच है मेरे पास, या फिर चार्जर लटक रहा है, ऐसे कोई भी चीज को आप देखो उसके कंपैरिजन। अब हमको क्या करना है, आंखें, वो जो आंख बंद है उसको खोल के दूसरी आंख चालू करो, वही प्रोसेस रिपीट करो, जो आंख खुली थी उसको बंद करो, दूसरी आंख चालू करो, ऐसे करते रहोगे तो आपने कुछ ऑब्जर्व करोगे, ऐसे करते रहो। चलो क्या ऑब्जर्व किया, कौन बोल सकता है, चलो एनु बदला तू रे सर, मुझे टारगेट हो ये सु थसे बदला तू रे से। ओके, जैसे एग्जांपल मेरी ये आंखें है दोनों, मैंने यहाँ पेंसिल रखी, यहाँ मेरा चार्जर था समझ लो, तो पहले मुझे ये समझ लो चार्जर यहाँ दिख रहा था, एक ये पेन से। अब मुझे ऐसा भी, जैसे ये आंख से मुझे यहाँ ऐसे दिख रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है इस आंख से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाए ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, उसको हम पैरेलेक्स मेथड बोले। इसके अंदर क्या करना होगा बच्चों, कि आपको ऐसे एंगल बनाना, जैसे मैंने यहाँ आंख से दो चीज अलग अलग जगह के ऊपर देखी, ये दोनों पेंसिल ही है लेकिन दोनों आंख से मुझे अलग अलग चीज दिखी, सॉरी अलग अलग पोजीशन दिखी। एक बार एक आंख से ये पोजीशन दिखी राइट आई से, और लेफ्ट आई से समझ लो मुझे ये पोजीशन दिखी। मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो मैं यहां से ये डिस्टेंस या फिर यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर सकता। ओके, अब यहाँ है ना हमारा टाइम आउट हो गया, तो वापिस मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो, आप तुरंत वापिस वो जो लिंक मैंने भेजी उसके ऊपर ज्वाइन कर लो जल्दी। ओके, तो आपको वो तो पता चल जाएगा कैसे हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, यस सर, यदि कोई डाउट हो तो मुझे थंब दिखा देना।
तो ऐसे हम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस ये फॉर्मूला का यूज करके हम वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा 50% डाउट हो गए, यदि ज्यादा डाउट हो गए तो वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा इससे कि प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। प्रैक्टिकली में ऐसा होता है कि सन के कंपेयर में यदि समझ लो कि हमारा अर्थ अगस्त में इस साइड है, तो हम क्या देखें कोई भी ऐसी चीज जिसका हमें मेजरमेंट करना है डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से अगस्त के अंदर हम क्या करेंगे उसका एंगल मेजरमेंट करेंगे, ये एंगल थीटा। दूसरा जब फरवरी में देखेंगे तो वही चीज आपको कोई अलग डायरेक्शन में दिखेंगी, तो यहाँ से फरवरी में एंगल हम मेजरमेंट करेंगे ये थीटा। अब ये दोनों एंगल यदि मिल जाएगा तो मुझे ये भी एंगल मिलेगा थीटा, और इसके कंपेयर में हम यहाँ दो पार्ट कर देंगे इतना आधा, तो ये आधा हो जाएगा थीटा बाई टू, ये नॉन वैल्यू है। अब समझ लो कि अर्थ से सन का डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये चीज मुझे पता है, एंगल भी मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद मेजरमेंट किया था, तो मैं यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर सकता, यानी कि ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये मैं मेजर कर सकता हूँ। याद रखो बच्चों ऐसे अदरवाइज ऐसे भी हम मेजरमेंट कर लेंगे दो बार डिस्टेंस रख के। ये मैंने प्रैक्टिकली समझाने का ट्राई किया हुआ है कि जनरली ये जो डिस्टेंस होता है वो ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, राइट। थोड़ा जल्दी जाना है मुझे क्योंकि एक टॉपिक, वैसे कितने बजे, एक मिनट ओके है, चलो 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक कवर करना है हमें ये। अब कन्वर्जन ऑफ डिग्री, मैं कन्वर्जन सिखा देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को मिनट को, एक मिनट, सेकंड को और रेडियन में। याद रखो ये चीज है ना वो आपको कहाँ काम आएगी, तो न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। हमने वो तो देख लिया कि ऐसे मेजरमेंट कर सकते हम, पैरेलल्स मेथड से डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते। वापिस ध्यान दो, यदि मुझे रेडियन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सन का अर्थ से डिस्टेंस पता है, ये एंगल ये मुझे मिल जाएगा पैरेलल्स मेथड से, तो ये रेडियन बाद में फॉर्मूला में डाल दूंगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जिससे हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। प्रैक्टिकली कैसे है वो आपको अभी पता चलेगा कि प्रैक्टिकली एक्चुअली ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी, डिग्री क्या है, मिनट क्या है, सेकंड क्या है, ये सारे एक्चुअली एंगल के यूनिट है। याद रखो मिनट है वो, मिनट और सेकंड और टाइम का यूनिट नहीं है यहाँ, यहाँ हम एंगल का यूनिट मेजरमेंट कर रहे हैं। कोई भी एंगल मेजरमेंट करना है तब हम मिनट और सेकंड, यानी कि बहुत छोटा सा यूनिट हो, बहुत छोटा यूनिट एंगल, बहुत छोटा एंगल हो, जब एग्जाम्पल फॉर ये ऑब्जेक्ट है और यदि ये दोनों के बीच का एंगल इतना छोटा है कि 1 डिग्री से भी कम है, तो उसको मीटर एंड सेकंड में यूज करते हैं। कैसे, तो पहले याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री को यदि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये अब आपको ऐसा अभी ऐसा लगेगा कि सर ये क्या काम का है और कैसे उसका एप्लीकेशन कर सकते, यानी कि मेजरमेंट। अब ये सारी वैल्यू याद रखने से फायदा क्या होगा, तो आपको ये जो दो सम दिख रहा है ना 2.3 एंड 2.4, ये दोनों सम है ना उसमें ये सारी चीज आपको यूज होगी, और एक दूसरा भी सम है 2.1, ये एक्चुअली सम में आपको 2.1 एनसीईआरटी का समझा रहा हूँ, ओके। एक्चुअली है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको ऐसा अलग से समझा रहा हूँ। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ओके। क्यों, क्योंकि आपको जब भी एंगल मेजरमेंट करना है तो एंगल का मेजरमेंट आपको रेडियन में ही रखना पड़ेगा। अब बोलेगे क्यों ऐसा, तो मैंने आपको याद हो तो ये टॉपिक में जाओ, तो ऐसा यूनिट उसका क्या है, रेडियन है। तो यदि आपको डिग्री में, मिनट में, सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको कंपलसरी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सम करने के लिए एस रेडियन में। जैसे सेंटीमीटर दिया होता है तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर दिया होता है तो भी मीटर में, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है। वैसे ही यदि डिग्री में दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ है या सेकंड में दिया हुआ है, सभी को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, 1 डिग्री यानी कि पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब दूसरा आपको काम आएगा मिनट,
तो 1 मिनट, पहले तो मिनट को ऐसा बताते हैं 1 मिनट। अब पहले 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट हो गए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गए। याद रखो बच्चों, ये मिनट का सिंबल है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, एग्जाम्पल 4, अब ऐसे देखने बैठो तो एग्जाम्पल 4 ये आपका एंगल है, तो पूरे की पूरी टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब समझ लो उसमें ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। अब वो 1 डिग्री की यदि 60 पार्ट्स करे तो उसका एक पार्ट हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि आप समझ सकते हो कितना छोटा एंगल है ये। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होगा, और 1 मिनट इज इक्वल टू होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सेकेंड को हम ऐसे बताएंगे डबल डेज के। याद रखो बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब सभी को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री का तो कर दिया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, अब पाई की वैल्यू क्या है, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 180, यदि उसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.0174। आप बोलेंगे कैसे, तो एक ही उन्होंने तो रट्टा मार दिया है मस्त तरीके से। ओके, क्यों, क्योंकि बहुत बार यूज होता है, तो बेहतर यही कि आप याद रख लो, और यदि उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप 1.74 इंटू 10^-2। आपको मुझे ये नहीं समझाना पड़ेगा कि ये कैसा है, आपको पता ही होगा। ओके, साइंस के स्टूडेंट को, तो आपने एक चीज डिराइव की कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 × 10^-2 रेडियन। हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, हम बात कर रहे थे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 × 10^-2 रेडियन। याद रख लो बच्चों, ये काम आने वाला है आपको। ओके, अब हम डिग्री, अब डिग्री को तो कर दिया, डिग्री का हो गया, अब मिनट को करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू, 1 मिनट इज इक्वल्स टू रेडियन में यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल्स टू होगा 1.74 × 10^-2 रेडियन। याद रखना, ओके, ये डिग्री का हमने वैल्यू डाल दी, डिग्री का रेडियन में, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब यदि मैं यहां से 1 मिनट को रखूंगा तो ये 60 नीचे चला जाएगा, डिवाइड होगा, तो अब ये मिल गए आपको खाली 1 मिनट। सिंपल सी चीज है, 60 मिनट इज इक्वल टू ये वैल्यू हो रही है, तो ये वैल्यू को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे 1 मिनट की वैल्यू मिलेगी। तो इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है, अभी मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप बाद में कैलकुलेशन कर लेना, 2.91 × 10^2 एक मिनट, 2.91 × 10^-4 रेडियन आ रहा है। सो द 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 × 10^4 रेडियन। सिमिलरली यही वैल्यू को और 60 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा सेकंड में, तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू, उसको यदि हम डिवाइड करें तो फाइनल आपका आंसर आ रहा है 4.85 × 10^-4 रेडियन। अब आपको यदि यहां सब कुछ पता चला है तो ठीक है, और नहीं पता है तो बस खाली ये 3 चीज याद रख लो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 वैल्यू खाली याद रख लेनी है आपको। क्लियर? यस निमित, एक मिनट बेटा, अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ बोल बेटा। सर 1 सेकंड में 10^-6 आएगा ना, 10^-6, मैंने तो वैसे डायरेक्ट लिखा लेकिन पता नहीं क्या आता होगा, एक मिनट। हाँ जी सर, जी जीरो पर जाएगा इसलिए, यहाँ 6 आएगा। ओके, क्योंकि 60 एक और 0 था ना, इसलिए ये आपको याद रख लेना। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2.1, वैसे याद रखने के लिए ही है, फिर भी कैसे आया वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है यहाँ। ओके, क्लियर सभी को? मन डाउट सर बोलो।
सर जे आपणे पहला तमे कीधु के एक आंख बंद करो तो आम देखाय, बीजी करो तो पछी अलग देखाय, तो जयारे शूटिंग करता हो त्यारे टार्गेट ऊपर कई रीतना खबर पड़े के कई रीतना अड़से? शूटिंग ऊपर तो आप ये आपड़े जी मैं तुमने जे कर आप तो इल्यूजन हतु समझी ले बेटा। शूटिंग जरा करता है तार समझ लो जमणा आंख थे लोग करता है तो ए रीते एंगल राखे तो ए जे तुम्हारे एनी पिस्तौल होय ने एने ए डायरेक्शन में राखे अने राइट हैंड थी जो राइट आईज थी जोता होय तेने ए डायरेक्शन में राखे कला ये बे ए शूटिंग करे ने का तो बन्ने आंख थी जॉइन करसे और बने त्या सुधी बन्ने आंख थी नहीं करे कोई सिंगल आंख थी ज करसे कारण के केम सिंगल आंख थी आपने एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन मळशे અને બે આંખથી શું થશે એનું એવરેજ લોકેશન મળશે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ આઈસ નું એવરેજ લોકેશન અને જે તમે સિંગલ આંખથી જ થાય જે પ્લેનેટ છે બહુ દૂર ડિસ્ટન્સ ઉપર હોય એની માટે જે આપણે મેથડ યુઝ કરી હતી હમણાં તમે કીધી એ તો સર એમાં તો આન્સર આમ એવરેજ આવતો હશે ને પરફેક્ટ તો નહીં આવતો હોય ને? ના ના બેટા બહુ જ એવરેજ એવરેજ એટલે બહુ એવરેજ આવે એક્ઝેક્ટ આન્સર પોસિબલ ના હોય એમાં ये जे ने जो आ बे सम छे ने 2.3 ने 2.4 ए एना सम छे एक्चुअली के कई रीते आंसर आवे छे। ओके ले हूं तुमने समझाई दो चलो 2.3 5 જ મિનિટ છે હું એક સમજાવીશ એક તમે ટ્રાય કરજો અધરવાઇઝ ડાઉટ હશે તો નેક્સ્ટ લેક્ચર માં આપણે જોઈ લેશું ઓકે હા એટલે મારો ઓલરેડી એક લેક્ચર્સ છે એટલા માટે 5 જ મિનિટ બાકી છે फटाफट समझाई फरीथी पाछो रिवाइज करावानो छु ओके डोंट वरी। चलो मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिक पॉइंट ए बी ऑन द अर्थ अर्थ छे याद रखो ध्यान ए अने बी आ बे पॉइंट थी मून थी हूँ मेजरमेंट करू छु थोड़ो फास्ट समझाई ध्यान राखजो एंगल थीटा मने मळे छे 1 डिग्री 54 मिनिट बीजू आपेलू छे गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ आज अर्थ नो डायमीटर जेने आपणे आर्क कहीशुं ध्यान राखो आ थशे आ तमारो आर्क आ थशे रेडियस अने आ एंगल तो आर्क तमने आपेलू छे 1.276 × 10⁷ तो तमारे फाइंड करवानुं छे आ डिस्टन्स आ प्लेनेट थी अर्थ नो डिस्टन्स आ जे डिस्टन्स हशे ए तमारे फाइंड करवानुं छे समझी लो क्योंकि अर्थ थी आ डिस्टन्स आपणे मेजर करीए एने मीनिंग के आपणे रेडियस फाइंड करवानुं छे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस तो रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा इनटू आर्क ओके टेक्स्ट बुक ना सम में पड़सा नहीं कारण के मां एक्चुअली ए बी सी डी ने वो बड़ा टर्म्स यूज करेला छे कन्फ्यूज करशे तो पहला थीटा केटलो लेवो आमा 1 डिग्री 54 मिनिट आपेलो छे तो 1 डिग्री अने 54 मिनिट माटे तमारे शू करवानुं पहला तो 1 डिग्री एटले शू थशे 60 मिनिट थाय एंड प्लस 54 मिनिट तो एडिशन करशो तमे तो शू मळशे तमने एक्जेक्ट वेल्यू 114 आ मळी तमने मिनिट मां सॉरी सेकंड आ एक मिनिट हो सिंगल छे ने एटले मिनिट थशे ओके डबल होय तो सेकंड थशे ध्यान राखशो तो सिंगल एटले मिनिट मां मळी 1 मिनिट एटले आपणे शू लीधुं हतुं 2.91 × 10⁴ तेने रेडियन मां कन्वर्ट करवुं होय तो मल्टीप्लाई बाय 2.91 × 10⁴ थी मल्टीप्लाई करी देशुं ओके क्लियर जोई लो वेल्यू तो आपने एंगल मळी गयो ए थीटा तमे करशो ने सोल्व अत्यारे तमे तमार केलसी थी करी लेवानो अत्यारे जो गुजरात बोर्ड होय तो अने सीबीएसई वाळा ने जाते करवो पड़शे तो या आंसर मळे छे तमने 3.3 × 10⁻²। ओके हवे एंगल मळी गयो तो लखी दो अहींया 3 एक मिनिट हो आपणे फाइंड शू करवानुं हतुं कंप्यूटर डिस्टेंस ऑफ द थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑन रेडियस ओके रेडियस फाइंड करो એટલે थीटा इनटू आर्क नहीं થાય रेडियस નો ફોર્મ્યુલા લગાવશો ને તો आर्क अपॉन थीटा થશે ઓકે થોડું ઉતાળમાં બોલાઈ ગયું યાદ રાખો રેડિયસ ને મેન બનાવશું તો શું થશે आर्क अपॉन थीटा બસ आर्क મળી ગયો તમને આપેલો છે 1.276 અને थीटा તમને આ મળી ગયું ઓકે सोल्व करशो एटले तमने रेडियस सॉरी आ डिस्टन्स मळी जशे जे तमारे फाइंड करवानो हतो हुं डायरेक्ट आंसर लखू छुं अत्यारे क्लियर बोलो बस आज फॉर्मुला यूज करवानो छे आओ सेकंड नंबर सॉरी फोर्थ नंबर नो सम छे
ट्राई करजो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हूँ तमने आटलू डिटेल में फरीथी समझाइश। ओके, थोड़ू उतावळ में थयुं छे एटले आज। सो तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से। मैं निकुन सर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye, take care.